वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। तो फ्रेंड्स, ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियां, यानी ग्लैंड्स को बोला जाता है ग्रंथियां, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन कराती हैं। अगर सिक्रेशन की बात करें तो देखो, ग्लैंड्स तो होती हैं ग्रंथियां, जो कुछ सब्सटेंस को, इंजाइम्स को और हॉर्मोन्स को सिक्रेट कराती हैं। अब ये इंजाइम्स और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी, बॉडी के केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी के किसी भी पार्ट को पहुंचाने के लिए हॉर्मोन्स ही काम आते हैं। जैसे सपोज कि आपको लग जाता है करंट, तो तुरंत आपका हाथ जो है पीछे की तरफ चला जाता है, वो सिग्नल आता है ब्रेन से, और जब रिलीज होते हैं हमारे कुछ एक हॉर्मोन्स जो बॉडी को सिग्नलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सेल्स को काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं हॉर्मोन्स। फिर बात आती है कि ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सेक्रेट करते हैं कुछ एक सब्सटेंस को। अब सब्सटेंस कौन कौन से हैं? जैसे हॉर्मोन्स, सलाइवा आपकी लार, उसके बाद है मिल्क और कुछ डाइजेस्टिव जूस जो हमारा स्टमक सेक्रेट करता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, वो करती हैं सेक्रेट हॉर्मोन्स को। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हॉर्मोन सेक्रेट करती हैं। वहीं पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे सेक्रेट करती हैं एंजाइम्स को। जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सेल्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। वहीं पे अगर एंजाइम्स की बात करती हूँ, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, हमारी बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव रेट है वो हमारा हो पाता है। यानी कि बॉडी में किसी भी टाइप के जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम्स बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अगर एक्सोक्राइन की बात करते हैं, तो एक्सोक्राइन भी कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? रिलीज द सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधा का सीधा जाके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। फिर एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो सेक्रेट करती है डायरेक्ट डक्ट के अंदर, या फिर उसकी जो ओपनिंग होती है वो सीधी बॉडी में इनसाइड होती है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारी ग्लैंड से मिलके बना हुआ, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सारी की सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं? अलग अलग टाइप का हॉर्मोन सिक्रेट करती हैं। कोई हमारे किसी तरह का बॉडी के मेलाटोनिन को रेगुलेट करने के लिए, कोई हमारी ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए, कोई हमारे डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ सेक्स हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के इन्फॉर्मेशन, यानी कि केमिकल मैसेंजर इनको बोला जाता है, जो बॉडी में इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं और हमारी सेल्स को क्या देते हैं? सेल्स को देते हैं इंस्ट्रक्शंस। फिर है नेक्स्ट की एक्सोक्राइन जो हमारी ग्लैंड होती है वो अब क्या करती है? वो सेक्रेट करती है कुछ एक इंजाइम्स को, और इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर। और उसके बाद ये क्या काम करते हैं? इनको बोला जाता है बायो कैटालिस्ट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं? जैसे हेल्प इन डाइजेशन, अगर इंजाइम्स ना हो, अगर कैटालिस्ट ना हो, तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू द इंजाइम्स डाइजेस्टिव जो हमारी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वही क्या हो पाता है? इसी की वजह से वो रेगुलेट हो पाता है। फिर अगर एंडोक्राइन की बात करें, तो ये कुछ एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के मिड में। पीनियल ग्लैंड सबसे ऊपर वाली ग्लैंड होती है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, पर इसके काम है ना, काम इतने सारे काम करती है ये। उसके बाद है थायरॉयड ग्लैंड जो आपके थ्रोट में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड के नीचे और बैक साइड में प्रेजेंट होती है। फिर होती है थाइमस ग्लैंड्स, उसके बाद आती है एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी पे पाई जाती हैं, उसके बाद आती है पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, उसके बाद ओवरीज होती है फीमेल, और टेस्टिस पाया जाता है मेल्स के अंदर। फिर है जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड की देखो लोकेशन होती है ब्रेन में, यानी कि लोकेटेड पाई जाती है बिटवीन द ब्रेन। इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है थर्ड आई का, यानी कि हमारे ब्रेन के बीच में लोकेटेड होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है थर्ड आई। जो आप सुबह उठते हो, रात को सो जाते हो, सारी चीज़ों को देखने का काम करती है पीनियल ग्लैंड। और कैसे करती है? तो ये हॉर्मोन को सिक्रेट करती है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन हॉर्मोन।
अब ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन आपकी स्लीप वेक साइकिल को, आपके सोने से लेके आपके उठने तक की जो साइकिल होती है, कंप्लीट साइकिल होती है, उसको क्या करता है, उसको कर देता है रेगुलर। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, पर उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स को सेक्रेट करती है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की मास्टर ग्लैंड इसको माना जाता है, क्योंकि दूसरी ग्लैंड को एक्टिव करने का काम करती है और साथ में बहुत सारे हॉर्मोन्स को सेक्रेट करती है। अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो फर्स्ट हॉर्मोन होता है GH हॉर्मोन, यानी कि ग्रोथ हॉर्मोन, जो क्या काम करता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की कंपोजिशन के लिए काम करता है, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प कराता है। फिर है नेक्स्ट, उसके बाद है प्रोलैक्टिन हॉर्मोन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो न्यूबॉर्न बेबी मदर्स होती हैं उनमें क्या कराता है, मिल्क प्रोडक्शन कराता है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है ऑक्सीटोशिन। ऑक्सीटोशिन क्या करता है, देखो डिलीवरी के टाइम पे, ताकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके, उसके लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है ऑक्सीटोशिन हॉर्मोन। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि मेल्स में और फीमेल्स में ओवरी और टेस्टिस को रेगुलेट करने का काम करता है, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है कि ओवरी किस तरीके से काम करती है और टेस्टिस किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आते हैं यूटिलाइजिंग हार्मोन। यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, हमारी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है और सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी की जो मेल्स और फीमेल्स में जो सेक्सुअल फंक्शंस प्रोवाइड कराती है बॉडी, उनको क्या करते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं। फिर एंटी डायुरेटिक हार्मोन। एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ओवर ब्लड प्रेशर के साथ साथ अमाउंट ऑफ यूरिन को, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है, कोई ज़्यादा अल्कोहलिक प्रोडक्ट लेता है, तो क्या होता है, उसको यूरिन की जल्दी से जल्दी उसका यूरिन पास आउट होता रहता है, यानी थोड़े थोड़े टाइम पर उसको यूरिन का अर्ज होता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है वो होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन। तो ये थे हमारे पिट्यूटरी जो ग्लैंड थी उसके हॉर्मोन्स, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड इज हमारी थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड क्या काम करती है, थायरॉइड ग्लैंड हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव रेट को रेगुलेट करती है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को करती है, हमारी बॉन्स को रेगुलेट करती है और करती है हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट। अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो फर्स्ट हॉर्मोन है T3 हॉर्मोन। T3 हॉर्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका नाम होता है ट्राई आयोडोथायरिन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, यानी कि T3 हॉर्मोन इसीलिए बोला जाता है, और ये बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, जैसे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो आपने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन किस टाइप से होता है, किस टाइप से वो डाइजेशन में काम करता है, ये होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म रेट। और फिर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हमारे ब्लड के, हमारे बॉडी में जो हार्ट रेट होता है उसको, जो हार्ट का रेट कितना है, ज़्यादा हार्ट बीट है, कम हार्ट बीट है, सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है। सेकंड है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन से समझ में आता कि यहाँ पे कैल्शियम की बात हो रही है, कि हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने के लिए। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, सेम हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं और रेगुलेट करती है हमारी किडनी को, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और साथ में करती है हमारी बॉन्स को, क्योंकि कैल्शियम की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर बॉन्स की बात आती है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या काम है, पैराथायरॉइड ग्लैंड रिस्पॉन्ड करती है पीएच को, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। फिर है नेक्स्ट उसके बाद थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है, क्योंकि देखो जल्द कोई इंसान ऐसा होता है जो बड़ी उम्र में भी बूढ़ा नहीं लगता और कोई छोटी छोटी एज में भी बूढ़ा लगने लगता है, तो वो एक रिलीज, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है थाइमोपोएटिन। थाइमोपोएटिन क्या करता है, आपकी स्किन को एज्ड होने से रेगुलेट करता है, यानी कि स्किन को बूढ़ा होने से रोकता है, स्किन की बोल सकते हैं ना कि लाइफ टाइम को इंक्रीज करता है। सेकंड है थाइमोपोएसिन। अब थाइमोसिन का क्या काम है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की जहाँ पे बात आती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं हमारे WBC में, और WBC में इनका क्या काम होता है, WBC में ये इंक्रीज करती हैं हमारी इम्यूनिटी को।
ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, जिससे बॉडी रहती है हेल्दी, क्योंकि इम्यूनिटी क्या करती है, हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है। तो वो काम कराता है थायमोसिन हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड हमारी होती है पैर के अंदर, यानी कि जैसे हमारी किडनीज होती है पैर के अंदर, ऐसे ही एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है पैर के अंदर, तो दो नंबर में होती है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन होती है किडनी के ऊपर, लेफ्ट किडनी के ऊपर, और होती है राइट किडनी के अपर वाले पार्ट में। हॉर्मोन्स की बात करें तो ये एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन, यानी कि जो किडनी के अंदर सॉल्ट के अमाउंट को रेगुलेट करता है, ठीक है, किडनी के अंदर जो सॉल्ट के अमाउंट होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद कोर्टिसोल, कोर्टिसोल क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन के और फैट और कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करके रखता है। फिर है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये होते हैं, एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन, यानी कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है उसमें फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। वहीं पे एंड्रोजन्स होते हैं जो मेल सेक्स हार्मोन को, यानी कि फर्टिलिटी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए, जो डायबिटीज़ को होने से रोकता है, शुगर को होने से रोकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट ग्लैंड की, जो हमारी होती है ओवरीज एंड द टेस्टिस। जो हमारी ओवरी होती है वो दो टाइप के हॉर्मोन्स, यानी कि फीमेल के अंदर दो टाइप के हॉर्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन। जो हमारा एस्ट्रोजन हॉर्मोन होता है वो वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी जो मंथली पीरियड का टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। वहीं पे जो प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन होता है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के लिए इन्वॉल्व होता है, यानी कि उस जो हॉर्मोन होता है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी की साइकिल होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये होता है मेल सेक्स हार्मोन, और ये क्या काम करता है, ये मेल्स में फर्टिलिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।